दोस्तों, मैं आज आपको सिंगल स्टब मैचिंग के बारे में बताऊंगा। सिंगल स्टब मैचिंग करने के पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सिंगल स्टब मैचिंग करते क्यों है। तो सिंगल स्टब मैचिंग समझे, सपोज़ कि एक वेव गाइड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है 300 ओम्स। तो जब ये 300 ओम्स और यह जो लोड लगा हुआ है इसका इम्पिडेंस भी होगा 300 ओम्स, तब जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सोर्स और लोड के बीच में पॉसिबल है। और जब इम्पिडेंस मैच होता है उसके वजह से डैमेज ऑफ लोड भी मिनिमम होता है। तो अब मैं आपको ये सम है ये करके दिखाऊंगा सिंगल स्टब मैचिंग का। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो इम्पिडेंस दिया रहेगा उसे नॉर्मलाइज करना है। फर्स्ट स्टेप जेड एल बार, डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 300 ओम्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.66 प्लस 1J। ओके, 1J। अब मैं ये पॉइंट को प्लॉट करूँगा हमारे स्मिथ चार्ट पे। 0.66, 0.66 ये रहा और 1J का पॉइंट है यहाँ पे। तो मेरा जो ZL बार आने वाला है वो आएगा कुछ इधर, ये है मेरा ZL बार। ओके, सो अब मैं ये पॉइंट से सेंटर पॉइंट को एक लाइन मारूंगा और अब मैं VSWR सर्कल बनाऊंगा। ओके, तो अब अगला स्टेप ये होगा कि ZL बार तो मुझे मिल गया है, लेकिन इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए मुझे YL बार की ज़रूरत होगी। तो अब मैं ये लाइन को करूँगा एक्सटेंड। अच्छा होगा कि आप स्केल यूज़ कर ले, मैं यहाँ आपको फ्री हैंड करके दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट हो गया मेरा YL बार। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है वो मुझे ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका रियल पार्ट देखूंगा जो कि आ रहा है समवॉट 0.47 प्लस, इमेजिनरी पार्ट है सॉरी, माइनस 0.7J। ओके, तो अब हमें दो चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, एक है लेंथ ऑफ द स्टब और दूसरा है पोजीशन ऑफ द स्टब। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये है पोजीशन ऑफ द स्टब, डी स्टब, मतलब कितना दूर हमें वो स्टब को लगाना है ताकि दोनों के बीच का इम्पिडेंस मैच हो जाए, और लेंथ ऑफ द स्टब, कितना लंबा स्टब का लेंथ होने वाला है जिसके वजह से दोनों के बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल है। तो पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ द स्टब। अब ये लाइन को करूंगा मैं एक्सटेंड, तो यहां मुझे जो पॉइंट मिल रहा है वो है 0.39 समथिंग। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप यहाँ 0.39 लिखे तो उसके बाद लैमडा ज़रूर लिखना, क्योंकि ये लिखना कंपलसरी है। अब ये जो VSWR सर्कल है, ये जो कंडक्टेंस सर्कल है फॉर G इज इक्वल टू 1, इसको कहाँ कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब यहां आपको एक लाइन लिखी हुई दिखेगी, वेवलेंथ टुवर्ड्स द जनरेटर। तो मुझे डी स्टब के लिए क्या करना है कि वाई एल बार का और ये पॉइंट को जब मैं एक्सटेंड करूंगा फ्रॉम द सेंटर, तो टुवर्ड्स द जनरेटर मतलब इतना जो डिस्टेंस आने वाला है ये आने वाला है मेरा पोजीशन, मतलब डी स्टब। ओके, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे, 0 से लेके ये आ रहा है मेरा 0.172 लैम्बडा, मतलब 0.172 इस पॉइंट से इतना है। और अब ये पॉइंट से मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट को मैं फॉर एग्जांपल 0.5 पकड़ता हूँ क्योंकि एक पूरा सर्कल जो रहता है वो 0.5 का रहता है, और इससे मैं 0.39 को माइनस करता हूँ।
तो मेरा आंसर आता है डी स्टब का, जीरो पॉइंट टू एट टू लैम्बडा। ये है मेरा पोजीशन ऑफ द स्टब फ्रॉम द लोड। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द स्टब। तो ये डायग्राम जहाँ कि आपने देखा था कि ये जो पॉइंट है इसका रियल पार्ट हमेशा वन होने वाला है और इधर आपको एक ससेप्टेंस मिलने वाला है जिसके वजह से ये अनबैलेंस था जिस इम्पिडेंस। लेकिन जब स्टब लग जाता है तो ये जो पार्ट है वो निकल जाता है, इसलिए मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि मेरा रहेगा नेगेटिव ससेप्टेंस। अब ये था मेरा पॉजिटिव ससेप्टेंस, तो मुझे नेगेटिव ससेप्टेंस मिलेगा कंडक्टेंस सर्कल के अपोजिट एंड पे, तो उसे मैं ट्रेस करूँगा। तो ये जो है मेरा माइनस जे बीटा जे थीटा जो कि है 0.36 लैम्बडा। अब सेंटर से मुझे एक लाइन मारनी है और ये पॉइंट से लेके शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट, ये जो है शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है एडमिटेंस के लिए। वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो मेरा होगा एल स्टब। तो एल स्टब इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.25 लैम्बडा। जो कि आता है 0.11 लैम्बडा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे एल स्टब और डी स्टब का वैल्यू दोनों भी लैम्बडा के टर्म्स में मिल रहा है। तो अगर मुझे इसको मीटर्स के टर्म में लिखना है तो मैं एक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, सी इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, जहाँ कि सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपको दिया होता है। लेकिन इस सब में आपको फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप डी स्टब और एल स्टब का वैल्यू लैम्बडा के साथ ही आंसर में लिखे। ये जो सम है जैसा मैंने आपको बताया ये 100% करेक्ट है। टेकमैक्स या ऐसे कोई बुक से मत करिएगा क्योंकि उसमें ये सम रॉन्ग है।